तो हेलो गाइस, माय नेम इज रो एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग वर्स। तो आज का स्मैकडाउन तो हो गया, और भाई आज के स्मैकडाउन में हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हैं, मतलब हमारे जो यहाँ पे यूट्यूब कम्युनिटी के एक बहुत ही बड़े यहाँ पे यूट्यूबर है लोगन पॉल, वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे यहाँ पे रेसलमेनिया में भी। स्मैकडाउन में तो हमें यहाँ पे दिखाई दिए ही है वो, और कुछ ऐसी बात हुई है कि वो रेसलमेनिया में भी होंगे। सारी बातें आपको बताऊंगे क्या क्या बातें हुई और वो क्यों हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। प्लस जो डैनियल ब्राइन है, उन्होंने आज फोड़ दिया रोमन रेंस और यहाँ पे एज दोनों को, और ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया, सारी बातें आपको बताऊंगा। तो इस वाली वीडियो से आप बिल्कुल चिपक जाओ, इस वाली वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा। और यार चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार मेरे चैनल पे आपको बहुत ही औसम यहाँ पे सीरीज मिलती रहती है, बहुत ही नई नई प्लेलिस्ट आती रहती है। आप चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं और मैं और भी नई वीडियो डालता रहूंगा। तो जल्दी से अपनी वीडियो पर चलते हैं। तो शो की शुरुआत में हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं एज। एज यहाँ पे अपना प्रोमो काटते हैं, बढ़िया सा, बहुत ही ज्यादा हीलिश प्रोमो होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा विलन जैसे कैरेक्टर में वो होता है। वो कहते हैं कि जो फास्ट लेन में हुआ वो बहुत ही गलत था, लेकिन जो लास्ट वीक मैंने कर दिया, जैसे अटैक मैंने कर दिया, उसे करके मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून मिला। और वो ऐसे भी कहते हैं कि मतलब मुझे रोमन रेंस यहाँ पे फाइट करनी थी, पता नहीं डैनियल ब्राइन बीच में कहाँ से आ गया, पर ठीक है अब डैनियल ब्राइन आ गया है यहाँ पे, मतलब एडम पीर्स का माइंड वॉश करके, तो मैं उसकी भी यहाँ पे धुलाई कर दूंगा। और जैसे मैंने लास्ट वीक यहाँ पे चेयर से अटैक किया था, वैसे ही अगर मुझे मौका मिले तो मैं दोबारा भी करूंगा। तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे वार्निंग दे दी, और बहुत ही ज़्यादा हीलिश लग रहे थे आज वो। तो यार मज़ा आने वाला है रेसलमेनिया में। अब उससे अगला यहाँ पे हमें जो यहाँ पे मैच दिखाई दिया वो था बेसिकली यहाँ पे अल्फा अकेडमी, और यहाँ पे मतलब एट मैन टैक टीम मैच होता है वैसे तो, अल्फा अकेडमी और यहाँ पे रूड एंड जिगलर अगेंस्ट में उनके होते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट एंड मिस्टीरियोस। भाई मैच यहाँ पे ठीक ठाक ही था, अभी यहाँ पे कोई स्टोरी लाइन है नहीं, स्टोरी लाइन यहाँ पे मिसिंग है। पर यार मैं आपको ये बता दूँ, जो हील वाली टीम है बेसिकली, जो हमारी अल्फा अकेडमी और यहाँ पे रूड और जिगलर है, वो यहाँ पे जीत जाते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। अगला जो हमें यहाँ पे प्रोमो दिखाई देता है वो यहाँ पे दिखाई देता है सेथ रॉलिंस एंड सेजारो का, बेसिकली यहाँ पे फेस ऑफ होता है, और कोरी ग्रेव्स उन दोनों का यहाँ पे फेस ऑफ करा रहे होते हैं। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं कि यार रेसलमेनिया ना हमेशा से मेरा ही इवेंट रहा है, हम बात करें ट्रिपल एच वर्सेस सेथ रॉलिंस की, हम बात करें यहाँ पे ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस की, तो यार मेरा मतलब रेसलमेनिया में बहुत ज़्यादा मैं लकी भी रहा हूँ और मेरे नाम पर ही वो इवेंट मतलब होता है। तो इतना कुछ यहाँ पे बोल रहे होते हैं सेजारो, उनको यहाँ पे सेजारो स्विंग की याद दिला देते हैं, जिससे वो थोड़ा सा भड़क जाता है सेथ रॉलिंस। उसके बाद वो कहते हैं कि यार मैं बिल्कुल ही मतलब अनशेकेबल हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पे हिला नहीं सकता, मैं बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही डटा हुआ अनस्टॉपेबल हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे सेजारो कहते हैं तुम चाहे अनशेकेबल हो लेकिन तुम्हें फिर भी सेजारो स्विंग पड़ ही जाएगी। तो ये कह के यहाँ पे बात खत्म हो जाती है दोनों की, दोनों अपने अपने यहाँ पे रास्ते चले जाते हैं, दोनों चले जाते हैं अब मतलब अपने बैक स्टेज, और ज़्यादा कुछ हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, बस बेसिकली यहाँ पे फेस ऑफ ही था। अगला मैच हमें पे दिखाई दे रहा था नटालिया, और उनके अगेंस्ट में होता है शेना बेजलर। अब मैं आपको बता दूँ इस वाले मैच में बहुत ज़्यादा केओस हुआ, मतलब जितने भी यहाँ पे फीमेल यहाँ पे सुपरस्टार मेरे ख्याल से सारी ही आ गई थी ऑलमोस्ट। नटालिया और यहाँ पे शेना बेजलर यहाँ पे मैच होता है, मैं आपको साफ बताऊंगा नटालिया यहाँ पे जीत गई थी। लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे टमीना आ जाती है, बेसिकली यहाँ पे टमीना आके अटैक करती हैं, लेकिन नाया वापस उन पर अटैक कर देती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत अटैक हो ही रहा होता, तो इतने में रायट स्क्वाड आ जाती है। भाई ये वाले मतलब ज़्यादा थोड़ा होचपोच हो गया था, तीन यहाँ पे मतलब टैग टीम वैसी मतलब खड़ी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे डेना और यहाँ पे मैंडी रोज दोनों यहाँ पे आ जाती हैं, डेना और मैंडी रोज भी आती है, अटैक हो रहा होता है, वो लड़ रही होती है, भाई क्या ही रह गया था। उसके बाद तो यहाँ पे दिखाई देगा कि मतलब नेओमी और लाना जो आखिरी टीम रह गई थी वो भी आ जाती हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा केओस हो गया, अच्छी खासी यहाँ पे फड़ाई मतलब फाइट हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और ब्रॉल हो गई थी। और एंड में स्टैंडटॉल जिसने किया वो थे टमीना और नटालिया की टीम, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में पिट गए थे वही एंड में यहाँ पे जो है स्टैंडटॉल करा उन्होंने। उसके बाद वो वाली मूवमेंट है जिसका काफी सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, बेसिकली यहाँ पे सैमी ज़ेन आते हैं और वो लोगन पॉल को यहाँ पे बुलाते हैं, और वो कहते हैं कि यार मेरे मतलब ये मेरे गेस्ट हैं, और वो यहाँ पे लोगन पॉल आ जाते हैं। और उसके बाद वो यहाँ पे ट्रेलर भी दिखाते अपने यहाँ पे सैमी ज़ेन का, जो कहते हैं वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ यहाँ पे बैक स्टेज और यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा WWE में बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो यार जो यहाँ पे लोगन पॉल होते हैं वो यही कहते हैं कि यार मैं तुम्हारे पुराने दोस्त से यहाँ पे मिला हूँ बैक स्टेज केविन ओवन से, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि यार यहाँ पे कोई भी तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी नहीं चल रही है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। तो सैमी ज़ेन कहते हैं यार तुम मेरे गेस्ट हो तो तुम गेस्ट ही रहो, और मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी यानी आप ऐसे कह लीजिए षड्यंत्र चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे केविन ओवन्स भी आ जाते हैं, और केविन ओवन्स यहाँ पे मतलब अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन पे, और सैमी ज़ेन को यहाँ पे मतलब पड़ जाते हैं वहाँ पे स्टनर। और उसके बाद हम यहाँ पे दिखाई देते हैं कि जो केविन ओवन्स जब जाते हैं तो लोगन पॉल को भी यहाँ पे धक्का देते हैं, मतलब वो किसी को यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और वो यहाँ पे सैमी ज़ेन को ये भी कहते हैं कि तुम दोबारा कॉन्स्पिरेसी कहोगे तो मुझे तुम्हें यहाँ पे मतलब तुम्हें यहाँ पे मतलब मार दूंगा, ऐसा करके वो कुछ कहते हैं। और उसके बाद वो भी चले जाते हैं, और यहाँ पे WWE ने उसी टाइम हमें यहाँ पे ये भी अनाउंस कर दिया कि लोगन पॉल WWE रेसलमेनिया 37 में भी हम यहाँ पे दिखाई देंगे। अब उनका क्या रोल होगा यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ लगे आते हैं वो यहाँ पे रेफरी होने वाले हैं, या तो वो सैमी ज़ेन की साइड पे होंगे, मतलब उनके यहाँ पे मतलब उनकी तरफ से यहाँ पे खड़े होंगे। उसके बाद हमें ये भी दिखाई दिया कि केविन ओवन्स यहाँ पे बैक स्टेज उनका इंटरव्यू चल रहा होता है, वो कहते हैं कि मुझे उस पर अटैक करके कुछ ज़्यादा खुशी नहीं पर मिली, पर मुझे फिर भी मैंने कर दिया। इतने में सैमी ज़ेन आके उन पर भी अटैक करते, तो ये कुछ हो रहा था। तो उसके बाद हमें मैच दिखाई दिया कार्मेला वर्सेस बियांका ब्लेयर का, मैच ठीक ठाक था, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे बियांका ब्लेयर को ऑब्वियसली यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जिता नहीं था WWE ने, तो उन्हें यहाँ पे जिता दिया गया, बियांका ब्लेयर यहाँ पे जीते। उसके बाद हमें यहाँ पे ये भी दिखाई दिया कि साशा बैंक्स आ गई हैं अटैक करने की कोशिश कर रही हैं, पर बियांका ब्लेयर कह रही है तुम रुक जाओ अभी हम नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे सीधा रेसलमेनिया
रेसलमेनिया में। पता नहीं क्यों वो थोड़ी सी हाइप यहाँ पे क्रिएट करनी चाहिए थी मैच के लिए, पर उन्होंने यहाँ पे हाइप क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करी। वो वाला यहाँ पे सेगमेंट खत्म होता है, मैच खत्म होता है। फिर हम यहाँ पे कॉर्बिन भी दिखाई देते हैं, जो कहते हैं कि मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने मुझे यहाँ पे दिखा दिया कि लैशली ने एक अपॉर्चुनिटी फेंकी, एक अपॉर्चुनिटी दिया तो मैंने उसका फायदा उठाया और अब हो सकता है कि मैं रेसलमेनिया में दिखाई दूँ। उसके बाद हम यहाँ पे दिखाई देते हैं अपोलो क्रूज, वो कहता है कि बिगी से मैं लड़ूंगा एक नाइजीरियन ड्रम फाइट में। अब मुझे नहीं पता ये किस तरीके की फाइट है, पर मुझे लग रहा है कि एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है। हो सकता है नाइजीरिया में कोई कॉन्सेप्ट हो, हमें नहीं पता इस बारे में, लेकिन अब हमें ये जरूर पता है कि बिगी और यहाँ पे जो अपोलो क्रूज का मैच होगा वो कुछ एक नए तरीके का होगा। अब उसके बाद आता है शो का मेन इवेंट। मेन इवेंट में बेसिकली हमें यहाँ पे दिखाई देने वाले थे जे उसो अगेंस्ट में उनके डैनियल ब्रायन, और यहाँ पे एज होते हैं यहाँ पे कमेंट्री टेबल पर, और जो रोमन है वो बैठे होते हैं बिल्कुल यहाँ पे, मतलब जो रैम की साइड है वहाँ पे अपनी चेयर लेके। मैच ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन भाई डैनियल ब्रायन ने ऑब्वियसली, मुझे लग रहा था कि डैनियल ब्रायन को ही जिताएंगे क्योंकि उनको यहाँ पे जो है रेसलमेनिया में भी भेजना है। तो डैनियल ब्रायन ने उन्होंने यहाँ पे लगाया यस लॉक और भाई जे उसो बिल्कुल भी नहीं उठ पाए। लेकिन उसके बाद जो हुआ, डैनियल ब्रायन गए हैं मतलब एज के पास, उनको बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे अटैक कर दिया रिंग साइड पे। भाई मुझे तो लग रहा था उनको ज़्यादा ही लग गई है एज को, तो वो मतलब ऐसे हिल नहीं रहे थे, तो उनको वहाँ पे अटैक किया। और उसके बाद यहाँ पे डैनियल ब्रायन जाते हैं रिंग साइड पर, भाई रोमन रेंस को भी पहले यहाँ पे रनिंग नहीं लगा देते हैं, और उसके बाद रनिंग नहीं के बाद उनको भी यहाँ पे यस लॉक में पकड़ लेते हैं। रोमन रेंस को यहाँ पे कोई छुड़ा नहीं पाता है, और उसके बाद उनको भी यहाँ पे फेड आउट कर देते हैं वो। भाई बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे आज का जो है शो रहा था। अब अगले शो पे क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा, बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे और भी कंटेंट आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मैं मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।